तो दोस्तों आज जो है हम आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कबूतर को आप कितने दिन पे नहलाना चाहिए और कैसे नहलाते हैं। तो चलिए जो है हम दिखाते हैं। हमने पहले ये गमला चेंज किया था तो ये बहुत भारी है, मोटा है, तो इसके जगह पे हम ये वाला गमला लाए हैं नहलाने के लिए। ये वाला गमला जो देख रहे हैं आप, और ये वाला गमला पानी पीने के लिए है। तो इसको हम हटा देते हैं और इसको हटाने के बाद जो है हम बड़ा सा गमला लगाएंगे, इसमें पानी है, इसको हम फेंक देते हैं ताकि जो है इसमें कबूतर न नहाएं, क्योंकि जब इसमें नहाएंगे कबूतर आपके तो पानी जो है बहुत कम इसमें आता है। तो इसको हम साइड में रखते हैं पहले, और अब चलते हैं इसको जो है हम लगा देते हैं ये गमले को। ठीक, ये ईंट हमने इसलिए लगाया है ताकि जो है गमला इधर उधर ना हो, बैलेंस बना रहे। तो ये जो है ऐसे हो गया। अब जो है हम कबूतरों को खोल देते हैं। कबूतरों को खोलने के बाद जो है उसमें पानी डालेंगे। ये हमने कबूतरों को खोल दिया। अब कबूतर जो है अंदर हैं, सभी अब बाहर आएंगे, और ये गमला भी खाली है। तो चलिए जो है हम इसमें पानी अब डाल देते हैं, उसके बाद जो है देखिएगा कैसे कबूतर नहाते हैं। तो पहले हम पानी भर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, हम जो है गमले में पानी पूरी अच्छी तरीके से भर दिए हैं, और पूरी तरह से भर लीजिए इसको। बहुत अच्छा धूप हुआ है तो सोचे क्यों ना आज जो है कबूतरों को नहला दिया जाए। और ये देखिए जो है कुछ कबूतर जो है बाहर आ चुके हैं। धीरे धीरे करके सभी कबूतर बाहर आएंगे, थोड़ा सा धूप में जो है अपने आप को गर्म करेंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे सब, एक कबूतर जहाँ स्टार्ट करेगा नहाने के लिए जैसे पानी में आएगा, तो उसके बाद जो है उसको देखकर अपने आप सभी कबूतर धीरे धीरे आने लगते हैं। तो आपको हफ्ते में जो है कम से कम एक बार जो है आपको कबूतरों के लिए पानी गमले में रख देना चाहिए ताकि जो है आपके कबूतर सभी नहा लें जिनका मन करे। क्योंकि कबूतर नहाएंगे धोएंगे तो वो कबूतर जो है फिट रहते हैं। देख रहे हैं जैसा कि अब कुछ कबूतर नहाने लगे हैं, मोमेंट बना रहे हैं, और लगता है हमें सभी कबूतरों को बाहर निकालना ही पड़ेगा क्योंकि जो है अपनी मर्ज़ी के अंदर चले जा रहे हैं। तो चलिए जो है हम निकाल ही देते हैं, उसके बाद जो है देखते हैं कि मतलब कैसे नहाते हैं, और निकाल देंगे तो पक्का है कि नहाएंगे। तो ये देखिए जो है कुछ कबूतर दाना चुग रहे हैं और कुछ कबूतर अंदर हैं, तो हम अंदर वाले को निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो जितने भी कबूतर हमारे पास है सभी को हमने बाहर निकाल दिया है, सिर्फ एक दो को छोड़कर, और ये जो है सभी बाहर हैं। तो देखिए जो है अब हम चलते हैं दूसरे साइड, क्योंकि हम करीब में बैठे हैं तो ये जो है अभी नहाएंगे नहीं। और आपको उसी वक्त नहलाना चाहिए जब धूप कड़ी हो, और कबूतर जो है नहाने के बाद जो है अपने पर को पूरी तरह सुखा ले, तब जाके आपको उन्हें बंद करने चाहिए। क्योंकि जो है कबूतर नहा लेते हैं और उसी वक्त बंद कर देते हैं तो कबूतर जो है गीले होने के कारण, और जब अपने घोंसले में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ गंदगी होती है, उससे जो है कबूतर आपके और गंदे हो जाते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके कबूतर जब पूरी तरह से सूख जाएं नहाने के बाद, तब जाके आप कबूतरों को बंद कीजिए। और बाहर जो है कबूतर मतलब तब तक जो है बाहर सभी कबूतरों को बाहर ही छोड़ें जब तक सभी कबूतर नहा न लें और जो है सूखे ना। तो देखिए सभी कबूतर बाहर आ चुके हैं, और अब मोमेंट इन लोगों का बनेगा। तब तक हम थोड़ा सा हम दूरी पे जाते हैं, क्योंकि जो है दूर जब जाएंगे तो ये नहाएंगे। कभी कभी क्या करते हैं कि ये कबूतर जो है डरते हैं नहाने से, क्योंकि पास में रहेंगे तो कबूतर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो कबूतर आपके सभी भड़क जाते हैं। और दोस्तों जो है देखते रहिए वीडियो, अब वीडियो हो सकता है लंबा जाए, और आप जो है हमारे साथ बने रहिए। आप लोगों की जो भी राय हो हमें कमेंट में बता सकते हैं कबूतरों से रिलेटेड, ताकि जो है हम हमेशा वीडियो लाते रहते हैं कबूतरों का। तो चलिए हम दूर चलते हैं, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, और आप कबूतरों के पीछे एकदम न रहें, ताकि जो है जैसे कि आप कबूतरों के पीछे रहेंगे कि कबूतर अब नहाएंगे तो वो जो है मतलब नहीं नहाते हैं। और देख रहे हैं जो है हमेशा जो है हम पानी में डालते हैं तो कबूतर नहाते हैं। आज जो है हम सोचे कि आपको दिखाएं वीडियो बना के, तो ये जो है मोमेंट बना रहे हैं लेकिन जो है नहा नहीं रहे हैं। देखिए अब जो है एक
अपना पूरी तरह मूवमेंट बना चुकी है। वो हरी मादी है और वो जो है बहुत दिनों के बाद बहुत ही बेहतरीन कबूतर है। हम उसका शायद आपको शौक भी कराए हैं, अगर नहीं कराए होंगे तो शौक करा देंगे कभी। तो हम बहुत से कबूतरों का भी शौक नहीं कराए हैं आप लोगों को, और हम सोच रहे हैं कि इस साल मतलब इस सीज़न में जो है हम आप लोगों को दिखाएंगे कि आपके मतलब कौन से कबूतर बेहतर होते हैं उड़ान के लिए। और रही बात हड्डी जोड़ की, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसी हड्डी जोड़ होनी चाहिए और क्या मतलब होता है हड्डी जोड़ का, कबूतर आपके कैसे उड़ते हैं कैसे नहीं उड़ते हैं। तो ये देखिए कूद गए, पूरे गमले में पानी भरा हुआ है। अब देखिए अब सभी जो है एक एक करके अब नहाने स्टार्ट करेंगे, और छेड़खानी नहीं करना है आपको, पानी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा मतलब देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से अब इनको मज़ा आएगा। इन्हीं को देखकर अब धीरे धीरे जो है सभी कबूतर नहाएंगे, जिनका मन करेगा। वो देखिए अंदर भी हैं कुछ कबूतर, तो बाहर नहीं आ रहे थे इसलिए हमने छोड़ दिया उनको। तो कबूतरों के साथ जो है ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि जो है आपके कबूतर बहुत ही मासूम होते हैं और डरते बहुत ज़्यादा हैं। इन लोगों को शांति पसंद है। और देखिए अब इन लोगों की लाइन लग जाएगी, ऐसे ही नहाएंगे। और धूप बहुत ही अच्छी हुई है, कुछ जो है देखिए वहाँ पे इधर उधर दाना उना उठा रहे हैं। तो धीरे धीरे एक एक करके पहुँचते जाएंगे, एक एक करके निकलते जाएंगे। पानी मिला है एकदम साफ़ पानी, हाँ पानी डालें तो साफ़ पानी डालें, गमले भी साफ़ रहने चाहिए, पानी भी साफ़ डालें। और ये हमारे सभी कबूतर, इस साल की उड़ान बहुत ही बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि जो है कबूतर हमने अच्छे अच्छे बनाए हैं इस साल, थोड़ा सा बेहतर किए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसी तरह सब कबूतर नहाएंगे अपने आप। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबा जाएगा, तो चलिए जो है हम अब वीडियो को यहीं से बंद करते हैं, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि हमें बहुत ही हेल्प मिलता है आप लोगों की वजह से जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।